भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश्वर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आज बहुत बड़ा दिन है, आपके और नया प्रदेश अध्यक्ष मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनती, बहुत ही जुझारू व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, सहजता से उपलब्ध रहते हैं और इन्होंने पिछले 30 वर्षों में पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया है और आने वाले समय में इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सारे नगर निगम के चुनाव, निकाय चुनाव जीतेगी और सारी लोकसभा की सीटें जीतेगी। तो 2024 क्या आसान हो गया है और आपके लिए, क्योंकि नया प्रदेश अध्यक्ष आया है? हाँ, बहुत आसान हो गया है। बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत ही लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है, इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी। आप लोगों को क्या अपेक्षाएं हैं नए प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, उनके साथ मिलकर सब लोग काम करेंगे। सरोजनी नगर की जनता, हमारे सारे कार्यकर्ता उनका साथ देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर, और सारी सीटें हम लोगों को जीतनी है, पार्टी को और मजबूत करना है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना राजेश्वर सिंह जी को, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो नाम नियुक्त किया गया है, जो नाम आया है भूपेंद्र चौधरी का, वो अपने आप में एक बड़ा नाम है और 2024 के जो चुनाव होंगे उनमें हम लोग और आसानी से जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।